हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जित कश्यप, वेस्ट बंगाल से। दोस्तों, आज हम आपको कुरान शरीफ का दो चमत्कारिक आयत के बारे में बताने वाले हैं, जो कि इससे आप क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, जो हमारे उस्ताद जी ने पहले सिखाया हुआ, आज हम आपको उनके परमिशन लेकर आप लोगों में सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं अल्लाह महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक चीज़ सिखाने से हमको 10 चीज़ जो है सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके घर के आस के पास एक 6-7 फीट का ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद लेना है दोस्तों। ठीक है, इस साधना को कैसे करना है वो आपको मैं पूरा बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और गड्ढा खोद लेना है। खोदने के बाद जो है जो आयत पढ़ना है आपको, आपको एक 101 दाने का जो है तस्बीह भी लेना है दोस्तों। ठीक है, आपको 11 दिनों का साधना है, 11 दिनों तक आपको वो गड्ढे के अंदर में आपको बैठ के साधना करना है रात के समय में। और वो गड्ढे के अंदर में कोई भी उजाला लाइट वगैरह नहीं आना चाहिए, इसलिए जो है गड्ढा चाहिए आपको दोस्तों। ठीक है, और रात के समय में करना है उसको, अंधेरा गड्ढे में बैठकर आपको पढ़ाई करना है वो आयत का दोस्तों। तस्बीह से आपको डेली एक तस्बीह पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है 11 दिनों तक। और इसके आगे क्या करना है वो भी बता दे दो, कौन सी आयत पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, वो जब एक तो आया दोस्तों दुआ यूनुस आयत है, जो कि आप लोग जानते होंगे। जब हज़रत यूनुस को जो है मछली ने निगल लिया था मछली के पेट में, जो अंधेरे मछली के पेट में रहकर उन्होंने वहाँ से निजात के लिए अल्लाह से दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरह से जब उन्होंने दुआ किया तो अल्लाह ने तुरंत उस दुआ को कबूल करके उनको जो है मछली के पेट से आज़ाद किया था। तब अल्लाह की तरफ से बयान आया कि फस्तजबना लहु व नजैनहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। ये दुआ आया दोस्तों। ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ना है, ला इलाहा से लेकर मोमिनीन तक आपको दोस्तों। ठीक है, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, फस्तजबना लहु व नजैनहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। आपको पूरा ये कंठस्थ कर लेना है सबसे पहले, तो आपको शुद्ध आपको ये पूरा आपको अच्छा तरह से बोलना है। ये अरबी है दोस्तों, इसलिए जो है आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो अरबी पढ़ते हैं तो उन लोगों को तो आसानी होगा। ये आपको कंटेस्ट करने के बाद आपको डेली ये पढ़ना है। इससे आगे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, कोई भी पीर बाबा से, पीर बाबा के नाम से आपको शिन्नी तैयार करना है। ठीक है, एक हांडी में शिन्नी तैयार करके वो गड्ढे के अंदर जो आपने गड्ढा बनाया है साधना के लिए दोस्तों, ठीक है, चिला करने के लिए, वो गड्ढे के अंदर ही आपको शिन्नी देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, एक हांडी लीजिए, एक हांडी में आपको 1.25 किलो केले, 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दूध आपको उसमें डालकर आपको हाथों से अपना मिक्स कर लेना है दोस्तों। ठीक है, उसका तो अगरबत्ती और मोमबत्ती, 3 मोमबत्ती और लोवन की धोनी हो या चाहे अगरबत्ती लगाकर आपको पीर बाबा का नाम, कोई भी पीर बाबा के नाम से, जैसे हमारे गांव में इधर में पगला पीर बहुत मानते, तो उनके नाम से हमने पहले शिन्नी लगाए थे, तो उनके नाम से आप शिन्नी लगा सकते हो, पीर बाबा के नाम से, पगला पीर के नाम से शिन्नी लगाकर बच्चों में बांट दीजिए। बांटने के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए कि और हाँ दोस्तों, वो हांडी के मुंह में आपको एक लाल सूता बांध देना पड़ेगा गांठ लगा करते दोस्तों। ठीक है, बिस्मिल्लाह शरीफ 3 बार पढ़कर और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस साधना में हमको जो है सफलता दिलाइए। तो इसके बाद जो है वो शिन्नी का जो अंदर का जो आपने वो प्रसाद होगा जो भी, ठीक है, वो आपको बच्चों में बांट देना, वो खुद भी आप खा लेना है। तो उसके कल के दिन से आपको, ठीक है, जुम्मा के दिन आपको ये शिन्नी देना है, जुम्मा के दिन आपको शिन्नी देना है। तो कल के दो है शनिवार से आपका ये साधना स्टार्ट हो जाएगा, 11 दिनों तक आपका ये साधना चलेगा। आपको डेली एक तस्बीह आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, ये जब 11 दिनों तक आप पढ़ेंगे उस गड्ढे के अंदर में, तब आप वो गड्ढे में मिट्टी वगैरह डाल के छोड़ दीजिए उसका। ठीक है, तो आपका वो साधना जो है पूर्ण हो चुका है और आपका जो वह दुआ आयत से आप काम ले सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी काम ले सकते हो दोस्तों। आपको चुटकियों में बड़े बड़े काम ले सकते हो दोस्तों, इतना चमत्कारी आयत है। और इससे क्या क्या काम ले सकते हो मैं अगली वीडियो पार्ट 2 में आप